वेलकम बैक। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने राजस्थान रोजगार से जुड़े इस चैनल पर। आज की बड़ी खबर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर के सरकार के प्रतिनिधि की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा या उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंच सकते हैं धरना स्थल पर। हाँ जी बिल्कुल, आज की बड़ी खबर जो कि अभी अभी हमें मिल रही है कि सरकार के प्रतिनिधि की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा या उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंच सकते हैं धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए और परीक्षा बढ़ाई जा सकती है आगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आज राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री या राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री धरना स्थल पर पहुंचते हैं तो हमारा ये कयास है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है, आज ही लिया जा सकता है बड़ा फैसला। तो आप अगर इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो हम आपको बड़ी खबर जो अभी अभी हमें मिल रही है वो आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंच सकते हैं धरना स्थल पर और प्रदर्शनकारियों से हो सकती है बातचीत। अगर बातचीत सकारात्मक रही तो ये परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है आगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जुलाई या अगस्त में एग्जाम हो। इसके अलावा जो प्रमुख मांग है वो है इसमें जो पद हैं उनको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा बाहरी राज्यों का जो कोटा है उसको कम किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 की। तो अगर आज सरकार का प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर पहुंचता तो ये प्रमुख मांगे रहेंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो फ्रेंड्स शाम तक आ सकती है आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात और परीक्षा की डेट को बढ़ाया जा सकता है आगे। फ्रेंड्स, हमारा और हमारी टीम का भी सरकार से अनुरोध है कि प्लीज आप इस भर्ती की डेट को आगे करें छात्रों के हितों को देखते हुए। गहलोत जी प्लीज सुन लो छात्रों की और परीक्षा की डेट कर दो जुलाई में, सबकी यही पुकार। अगर फ्रेंड्स आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करें जिससे कि हमारी बात पहुंचे सरकार तक और आपकी परीक्षा हो जुलाई या अगस्त में। अगर फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप भी अगर इस परीक्षा की डेट को बढ़वाना चाहते हैं तो कौन से महीने में करवाना चाहते हैं वो महीना भी कमेंट में जरूर लिखें, आपके कमेंट का हमें रहेगा इंतजार। आज की ये थी बड़ी खबर, और भी लेटेस्ट खबर जानने के लिए जस्ट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक और लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो।